इज अतीको रहमान और हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें हम कंप्लीट बताएंगे आपको कि आप किस तरह अपनी डोमेन बाय करेंगे, आप होस्टिंग बाय करेंगे, आप उनको अपॉइंट करेंगे और आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैच से। तो ये एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप अपना फ्यूचर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ से किक स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डोमेन क्या होती है, आप कौन कौन सी डोमेन्स की टाइप हैं और आप ये कहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले डोमेन क्या होती है, तो डोमेन के लिए सिंपल ये है कि जब आपको किसी के घर जाना तो आपका उसका एड्रेस पता होना चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन अगर आपको कोई किसी के घर जाना है, किसी के एड्रेस पे जाना है, तो उसकी डोमेन का नाम पता होना चाहिए। वो डोमेन का नाम कोई नाम भी हो सकता है जैसे xyz.com, या कोई IP हो सकता है जैसे अभी आपने PTCL कॉन्फ़िगर करने के लिए एक्सेस किया हो तो वो एक IP होता है 192.168.10.1, तो ये एक IP होता है। तो आप दोनों तरह से सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, कि डोमेन बेसिकली काम क्या करती है। तो हम सपोज ये गूगल पे जाते हैं सर्च इंजन पे, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं google.com, ठीक है, हमने लिखा google.com, तो हमें ये गूगल की जो डोमेन है उसके एड्रेस है उस पर नेविगेट कर दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली डोमेन इन अ नट शेल डोमेन काम क्या करती है कि आपको रेलिवेंट एड्रेस पे भेज दिया ऑनलाइन, अगर आप अपना आपको कहीं पे जाना है तो। ठीक है, तो अब कौन कौन सी टाइप ऑफ डोमेन होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। कि मैं गूगल पे लिखता हूँ यही, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिस के साथ ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीट स्क्रीन से आपको चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप निकाल के जो भी ग्रैब करके वो आपको बताएंगे कि चीजें किस तरह वर्क करती हैं बेसिकली। तो सबसे पहले टाइप ऑफ डोमेन्स, ठीक है, मैंने लिखा टाइप ऑफ डोमेन्स, ठीक है। तो ये कुछ डोमेन्स आ गई हैं हमारे सामने, गूगल ने दिखा दी हैं, ये जिसमें हम इनको ओपन कर लेते हैं, साइट को ओपन करते हैं जब हम, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन एक्सटेंशन नजर आ रही हैं, जैसे कि .com है, .org है, .gov है, .edu है, .net है, .military है। अच्छा, अब इन्होंने लिखा है कमर्शियल डोमेन। अब जो .com है ना, बेसिकली वो एक TLD डोमेन है जिसको बोलते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में टॉप लेवल डोमेन, जो आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करना है तो आप उसको यूज करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डोमेन है वो .com है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो डोमेन है .org, अगर आप कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आप डोमेन यूज करेंगे वो .org के एक्सटेंशन की यूज करेंगे। इसी तरह .gov, जो गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा कि वो गवर्नमेंट की साइट्स आपको .gov के एक्सटेंशन के साथ ही नजर आएंगी, उसके अलावा आपको नजर नहीं आएंगी, ठीक है। .edu जो आपकी एजुकेशनल आपका एरिया है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, वो .edu की एक्सटेंशन के साथ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स हैं। आप कोई भी डोमेन, सपोज xyz.com, xyz.org, xyz.edu, इसी के साथ भी बाय कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हम किस किस तरह की डोमेन होती हैं। अब आप हम ये जानेंगे कि डोमेन हम बाय कहाँ से करेंगे, कि ये कहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब गूगल पे हम सर्च करते हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर, ठीक है, इसको सर्च करते हैं गूगल पे कि डोमेन नेम प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। तो ये कुछ सजेशंस गूगल ने दिए हैं, मैं गो डैडी, क्योंकि ये स्पॉन्सर एड चल रहे हैं तो हम इन इन पे भी रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि गो डैडी मैक्सिमम को पता होगा कि ये भी एक चीप डोमेन बाय हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेम चीप है, उसके बाद होस्टिंगर है, उसके बाद domain.com। तो हम जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पे क्लिक करके अपनी जो R&D है उसको स्टार्ट करेंगे डोमेन बाय करने की। तो सबसे पहले आ रहा है WP बिगिनर, तो हम ये तो एक ब्लॉग मुझे लग रहा है, बिगिनर गाइड है, तो हम इसको नहीं ओपन करेंगे क्योंकि हमें बाय करनी है बेसिकली कि हम कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो हम ये कुछ कंपनीज हैं
जो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम इनसे बाय कर सकते हैं। बेसिकली डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं ये वाले, ठीक है, जिसमें नेम चीप है। ब्लू होस्ट से बाय कर सकते हैं आप, ड्रीम होस्ट है, उसके बाद नेटवर्क सोल्यूशन है। तो हम नेम चीप को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये गूगल टॉप पे दे रहा है इसको। हम इसको कहते हैं कि ये नेम चीप को सर्च करो, और हम नेम चीप के ऑर्गेनिक रिजल्ट पे जाके इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, इधर से अब हम हर तरह की डोमेन बाय कर सकते हैं, हर एक्सटेंशन की। सपोज हमारे चैनल का जो नाम है, मुझे उसके लिए भी बाय करनी है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैनल। तो मुझे चाहिए डोमेन लर्न अतीत, ठीक है, मुझे लर्न विद अतीत के नाम से डोमेन चाहिए। तो लेट्स सी के हमें किस किस तरह की डोमेन सजेस्ट करते हैं। ये देखें, उसने पहले ही मुझे डॉट अकेडमी के नाम से, डॉट अकेडमी के एक्सटेंशन से मुझे डोमेन सजेस्ट कर दी। अब ऑब्वियसली बिजनेस का नाम है लर्न विद अतीक, तो वो एक सेंस आ रही है कि ये कुछ पढ़ाना चाह रहा है, कुछ लोगों को सिखाना चाह रहा है, तो इस वजह से उसने डॉट अकेडमी के नाम से मुझे सजेस्ट की। बट मुझे बाय करनी है डॉट कॉम के नाम पे, ठीक है। तो ये आप पे होता है, आप जिस नाम की, क्योंकि जो डॉट कॉम है वो ज्यादा प्रेफरेबल समझी जाती है, वो इंटरनेशनली मतलब उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, वो ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, तो इस वजह से मैं वो उसको बाय करूंगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स यहाँ से बाय कर सकते हैं आप। उसके बाद हम दूसरे रिजल्ट पे चले जाते हैं, जो हमारा था, ये बेसिकली वो है ब्लॉग टाइप है, इंडीड, हबस्पॉट, तो होस्ट गेटर है एक, इनका भी ब्लॉग है। तो हम इनके जो इनकी साइट है जो उस पे चले जाते हैं, उससे वहां से सर्च कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेम डोमेन इधर आके भी, आप तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेम नेम प्रोवाइडर हैं, आपका जहाँ से दिल करे आप वहां से बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, आप जहाँ से भी चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, ठीक है। तो इसके लिए हमें आना कहाँ है, हमें डोमेन्स के सेक्शन पे आना है, रजिस्टर न्यू डोमेन पे आना है, ठीक है। अपनी डोमेन इधर एंटर करनी है कि मुझे ये डोमेन चाहिए, इसको सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। सर्च पे क्लिक करके वो आपको डोमेन सजेस्ट कर देंगे, नेम प्रोवाइडर जो है, कि कौन कौन सी ने डोमेन्स अवेलेबल हैं। अब डॉट ऑल ऑनलाइन की है जो मुझे 95 सेंट्स की मिल रही है, और ये एक और एक्सटेंशन ये 95 सेंट्स की है, और उसने उससे पहले मुझे सजेस्ट किया है लर्न विद अतीक डॉट कॉम, जो मुझे $13 की अप्रोक्सीमेटली मिलेगी, और डॉल इसमें वो चार्जेस टैक्स वगैरह भी पड़ेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 तक चली जाएगी। तो कुछ ये डोमेन्स हैं जो मुझे वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ डॉट कॉम की डोमेन बाय करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए एक R&D लेके आएंगे कि आप किस तरह बेस्ट नेम के साथ अपने डोमेन स्टार्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि आपको इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।